हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक नए लेसन के साथ हैं। पंजाबी सॉन्ग है मेरा यार, बी पराग जी ने गाया। तो इसमें जो कॉर्ड्स लगे हैं ये प्लगिंग पे लिया है मैंने गाना, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ गानों में मतलब म्यूज़िक नहीं होता, खाली खाली जाता है, तो वहाँ प्लगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको लगाना है कैपो सेकेंड फ्रेट पे, ये है बी माइनर का गाना, तो ए माइनर बन जाएगा ये। तो इसमें जो कॉर्ड्स लगे हैं ए माइनर, जी मेजर और एफ मेजर, बस ये तीन ही कॉर्ड लगे हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्लगिंग हुई है इसमें। तो सबसे पहले जो लाइन है, मैं आपको पूरा पैटर्न एक बार में बता दूंगा, आप वो पैटर्न बजा देंगे तो पूरा पैरा बज जाएगा। अब सबसे पहले लाइन है, मैं जीदा इंतजार कीता कई सदियां रो रो के, ये। उसके बाद मैनू मेरा यार मिलया पर मिलिया किसी दाओगे। अब इसको पूरे पैटर्न में कैसे लेंगे, ए माइनर से स्टार्ट करेंगे, थ्री और फाइव स्ट्रिंग एक साथ, फिर फोर थ्री टू, किस तरह से, मैं जीदा जीदा इंतजार से स्टार्ट करना, मैं जीदा इंतजार कीता, ठीक है ना। एक दो तीन चार, फ्लो कैसे रहेगा बजाने का, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से बजाना। तो कैसे, ए माइनर पे कैसे पकड़ेंगे, थ्री फाइव एक साथ, फोर थ्री टू, जी एक एक बार बजाना है इसको, जी पे जी भी एक बार, सिक्स और थ्री एक साथ, फोर थ्री टू। अब ये एफ जो एफ पे होगा उसको समझने वाली बात है। एफ हम जैसे मैंने आपको पहले भी लेसन में बता रखा है, एफ को हम पकड़ेंगे ऐसे इस तरह से, ये थंब से हम इसको बेस को पकड़ेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को, सिक्स स्ट्रिंग की, और फर्स्ट सेकेंड सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट को फर्स्ट फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट को सेकेंड फिंगर से, और फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को थर्ड फिंगर से। तो इस तरह से ये। अब इसको किस तरह से लेंगे, सिक्स सिक्स स्ट्रिंग का वन और थर्ड स्ट्रिंग का सेकेंड एक साथ, सिक्स और थर्ड स्ट्रिंग एक साथ बजाई। उसके बाद फिर फिंगर हटा लेने हैं, सिक्स और थ्री एक साथ, फिर फोर्थ स्ट्रिंग को प्लग करा, उसके बाद हाथ हटा लेना है, थ्री और टू का जीरो बजेगा इसमें एफ में, फिर ए माइनर दोबारा, थ्री फाइव एक साथ, फोर थ्री टू एक साथ। इसको हम चार बार रिपीट करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक बच जाएगा। एक बार बजा के देखा, ओ मैनू मैं जीदा इंतजार कीता कई सदियां तक रो रो के, ठीक है ना। इस तरह से चलेगा ये पैटर्न। तो ये ख़त्म होता है, बस एफ पे आपको ध्यान देना है, एफ पे सिक्स स्ट्रिंग और थ्री स्ट्रिंग एक बार, फिर मतलब एफ पकड़े पकड़े सिक्स थ्री एक साथ और फोर एक साथ, उसके बाद फिंगर हटा लेने वाली, ये बेस पकड़े रखना है, थ्री और टू का जीरो बजाना बस। इस तरह से तो ये इसका शुरुआत का मुखड़ा ख़त्म हो जाता है इसी पैटर्न में। इस पैटर्न को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे एफ और ए माइनर की जगह ना, मैं जीदा इंतजार कीता मैं जीदा इंतजार कीता कई सदियां तक रो रो के, इस तरह से भी ले सकते हैं, कई सदियां तक रो रो के, पर कन्फ्यूज नहीं करते इसको, हम जो सिंपल पैटर्न जो मैंने बताया उसी से यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न है। तो अब अगली लाइन में अंतरा देख लेते हैं, मतलब मुखड़े का ही है इसका ये पार्ट, हो मैनू दो बधाइयां ते जश्न मनाओ निपीलो आज राती तुसी मेरे करो, उसके बाद मैं फिल नवाओ किसी टूटे हुए शायर दी हाय मेरे मौत दा शेर सुनाओ। यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक मैं कौन सा पैटर्न किस तरीके से पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, ए माइनर से वही थ्री फाइव एक साथ, फिर फोर थ्री टू, फिर जी पे थ्री सिक्स एक साथ, फोर सिक्स फोर थ्री टू, थ्री सिक्स एक साथ, फोर थ्री टू, इसको दो बार, फिर इसके बाद आ जाएगा एफ। अब एफ एफ को पूरा ही पकड़ना है, मतलब ऐसे पकड़ सकते जैसे आपको ठीक लगे, इस तरह से पकड़ेंगे, थ्री और वन एक साथ, थ्री और सॉरी सिक्स और थर्ड स्ट्रिंग एक साथ, फोर थ्री टू, कैसे, हो मैनू दो बधाइयां ते जश्न मनाओ
पिलो आज रात तुसी मेरे घर आओ, इस तरह से ये सारा रिपीट होगा दो बार। फिर मैं फिल्म मावाओ किसी टूटे हुए शायर दे, फिर वैसे हुई दे हाय मेरी मौत दे शेर, सॉरी हाय तेरी मौत दे शेर सुनाओ, इस तरह से। उसके फिर एक लाइन और आती है, हो हंजुआते ओ रांझे दी रांझे रांझे दी सी हीर जानी कोई होर ले गया, क्योंकि इसमें वो पहले वाला पैटर्न, हो रांझे हीर जानी कोई, एफ वैसे ही बजेगा उसी तरह से, जाना जाना ना 6 और 3 एक साथ 4 फिर 0 0 ले गया को, बस मतलब यहाँ पे खत्म होगा ना, तो कैसे ओ रांझे जी सी जानी कोई हीर, यहाँ पे हीर पे बस हीर ले गया कोई, कोई पे माइनर ऐसे। कैसे खत्म करेंगे इसको, इस तरह से 6 और 3 एक साथ बजा देंगे स्ट्रिंग, बस एफ की जगह यहाँ पे रोक देंगे और उसका ए माइनर हल्का सा प्लग कर देंगे, दोबारा देख ले, हो रांझे दी सी हीर जानी कोई हीर ले गया कोई, इस तरह से फिर स्टमिंग आ जाएगी, हो मैनू मेरा यार मिलिया पर मिलने या किसे दा होके, स्टमिंग क्या है, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप, ये सारे बेस पे चलेगा, डाउन डाउन अप, अब तीसरा जो डाउन आएगा वो पूरा डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, यानी कि सब ऊपर ऊपर चलेगा, बस एक डाउन नीचे आएगा, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है ना। अब इसमें कॉर्ड कैसे आएंगे, मैनू मेरा यार मिलया पर, मैनू मेरा यार पे ए माइनर, यार मिलिया पे जी मेजर, पर मिलिया पे एफ, मिलिया किसी पे ए एफ जी, होके पे ए माइनर, पर मिलिया पे एफ, मिलिया किसी पे जी किसी दा, होके पे ए माइनर, किस तरह से, पर मिलिया किसी दा होकर, इस तरह से स्टमिंग चलेगी और ये इसका मुखड़ा खत्म हो जाता है पूरा। अब आता है इसका अंतरा, अंतरे में क्या है इसका, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका पैटर्न, पहले आपको कहाँ तक पैटर्न लगेगा, बेशक दगा खाण वालियाँ असी अज भी तेरे चाण वालियाँ, जे तू नहीं ते खत्म कहानी है ते मर जाण वालियाँ, यहाँ तक पे कौन सा पैटर्न लगेगा, ए माइनर चलेगा 3 5 एक साथ, अब इसमें थोड़ा सा बेशक दगा, इसमें ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ना पैटर्न रिदम का, 1 2 3 4 पहले बजा रहे थे 1 2 3 4 1 2 3 4 अब क्या है? ये बदल जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से लेना 1 2 3 4 इस पे चलेगा ए माइनर दो बार 1 2 3 4 3 5 एक साथ 4 3 2 3 5 एक साथ 4 3 2 दो बार फिर जी 3 6 एक साथ 4 3 2 ये 3 बार ये इसमें पूरा चलता रहेगा बेशक दगा ठीक है ये पैटर्न चलेगा दो बार ये टोटल पैटर्न चलेगा दो बार उसके बाद आ जाता हो हंजुआ दे नाल अपने तेरे शहर जावांगे तो के अब इसको कैसे हो हंजू वो इस पहले वाला पैटर्न ए माइनर 3 5 एक साथ 4 3 2 फिर जी 3 5 एक साथ 4 3 2 अब एफ वॉइस सेम और एफ पे 3 6 एक साथ ठीक है ना जी पे 3 6 फाइव नहीं 3 6 रहेगा थ्री एफ पे 3 और 6 एक साथ फिर 4 0 0 फिर ए माइनर 3 5 एक साथ 4 3 2 इस तरह से मतलब नहीं सॉरी इसमें भी ख़त्म करना है हमें क्योंकि इसका फिर स्टमिंग आ जाती है कोई अपने अपने जी अरे तेरा शहर पे वही यहाँ पे रोक शहर जाओगे धोखे जैसे पहले बताया था मैंने एफ पे बस 6 और 3 को बजाना है प्लग करना एक बार तेरा शहर जाओगे धोखे पे ए माइनर इस तरह से ये गाना यहीं ख़त्म होता है और इसका शुरू हो जाता है मैनू मेरा यार
यार मिलिया किसे दा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इजी गाना, थोड़ा सा प्लगिंग भी मैंने इसमें आसानी है, थोड़े प्रैक्टिस करने से बच जाएगा प्लगिंग पे भी, क्योंकि आजकल जो गाने आ रहे हैं सभी इसी तरह से ही इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, प्लगिंग वाले पैटर्न पे आ रहे हैं। उनमें म्यूज़िक बाद में आ रहा है, बीच बीच में आता, थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक आता बस, जिसमें स्टमिंग ले सकते हैं, अदरवाइज सभी पे प्लगिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बजने लगेगा, प्लगिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नए गाने के साथ, नए लेसन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।